मेरी ऑपरेटेड लेग 1 सेंटीमीटर छोटी है, कुछ सालों बाद प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो जनरली टांग छोटी बड़ी नहीं रहनी चाहिए हिप रिप्लेसमेंट में। अगर आपकी दूसरी लेग नॉर्मल है या दोनों साइड का रिप्लेसमेंट हुआ है तो इक्वल होनी चाहिए लेग्स। पर अगर आपको छोटा बड़ा लग रहा है और आपके दूसरे हिप में प्रॉब्लम है तो सेकंड हिप जब होता है तो उसको बैलेंस कर दिया जाता है, या आपके पेल्विक टिल्ट की वजह से आपकी टांग छोटी लग रही है कि पेल्विस ऊपर की तरफ है, तो तब भी ऐसा हो सकता है कि आपको लगे टांग छोटी है, जो कि टाइम के साथ ठीक हो जाती है। कुछ लोगों को यह भी लगता है कि टांग थोड़ी सी लंबी है क्योंकि उनका पेल्विस नीचे की तरफ होता है। सो पेल्विक टिल्ट से जो भी प्रॉब्लम है वो करेक्ट हो जाएगी। जनरली 1 साल के अंदर पेल्विक टिल्ट करेक्ट हो जानी चाहिए थी। अगर अभी तक नहीं हुई है तो हो सकता है कि आपके हिप में ही वो 1 सेंटीमीटर की शॉर्टनिंग है और आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आपको रेगुलर फॉलोअप पे अपने सर्जन के साथ रहना चाहिए ताकि आपको टाइम टू टाइम गाइड कर सके।